क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं इंडिया के रहने वाला हूँ और मेरा जिला पड़ता है पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार से है। और मेरा कोई घर वर नहीं है, बट मैं खेतों में रहता हूँ और मुझे गाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, तो मैं खेत में ही टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर उसी में गुजारा करके और गाने का कुछ तरीके सीखे, गाना गाने का मुझे कुछ अनुभव हुआ और वहाँ से मैं गाना गाकर यहाँ आया गाना गाने के लिए। सोचे कि इंडिया आइडल में हमें चांसेस मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ अच्छे परफॉर्म दिखाएंगे, गाना गाएंगे तो हमें कुछ यहाँ से मिलेगा, उससे मैं अपने लिए घर बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और हमारे गांव में न घर है, बस खेत में ही अपने घर बनाकर वहीं पे गुजारा बसारा करते हैं। और मैं खेतों में घर जो बनाया हुआ है वहीं पे रहते हैं और जंगल में जाकर लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ और उससे जो पैसा मिलता है उसी से मैं गुजारा बसारा करता हूँ। और कहीं भी जाता था मैं गाने तो वहाँ पे हमें कोई इज्जत और कोई हमको गाने योग नहीं समझता था, वहाँ से हमको भगा देता था मार के। और जब बारिश आती है तो लकड़ी काट नहीं पाते हैं और बाज़ार को नहीं ले जा पाते हैं, तब क्योंकि बेचने का तो कुछ होता नहीं, पैसा भी नहीं होता है, तो भूखे सो जाते हैं घर पे और वहीं पे खेत में ही गीत गाते हैं, तो वहाँ के लोग सुनते हैं तो बोलते हैं कि तुम इंडिया आइडल में क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारा गाना बहुत हमको अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे गाना मैं सुनाऊंगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में, सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
एक नूर की चादर। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलवर है चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागनी का। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम पंकज कुमार। मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म फट गया है। हाँ मैम फॉर्म तो फट गया है, लेकिन फॉर्म के साथ साथ मेरा दिल भी फट गया है, क्योंकि मैं एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता और वो लड़की हमको छोड़कर चली गई और साथ साथ मेरा दोस्त भी छोड़ के चला गया। ये कैसे हुआ? कैसे बताए मैम, आजकल प्यार में सभी लड़कियां सभी को धोखा दे रहे हैं और साथ साथ मेरा दोस्त भी हमें छोड़कर हमसे बहुत दूर चला गया। क्या गाने वाली हैं? आज मैं अपने मुन्ना और सुजीत दोस्त के लिए गीत गाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा याद आ रहा है उनका। ओह लवली, गो फॉर इट। सुर चेक कर लीजिए। बनते हम
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती है। अरे बात जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले आपको नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारेगामापा में मेगा ऑडिशंस में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें सारेगामापा का मुख्य अतिथि समझे और मुझे इस मंच पर बुलाया। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज मैं इस इंडिया आइडल में के मंच पे खड़ा हूँ, और इसके पीछे का कारण है मेरी माँ का आशीर्वाद, ऊपर वाला की दुआ और आप सभी का साथ, जो इस इंडिया आइडल पे गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बस आप लोगों के कारण। और मैम, मेरा ऐसा हालत था कि मैं क्या बताऊँ, मेरा ऐसा हालत हुआ था कि न खाने का रोटी था, न सोने का बिस्तर था, और क्या बताऊँ, और मेरे दिल में इतना जज्बा था कि मैं इंडिया आइडल में जाने का प्रयास किया, और मुझे गाना भी थोड़ा बहुत आता था, लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद मैं इस मंच पे नहीं आ पाया, लेकिन बस आप लोगों के पास ये हमारी खबर गया, और मेरी गरीबी के कारण आप लोगों ने इंडिया आइडल में आने के लिए आप लोगों ने निमंत्रण पत्र हमारे घरों तक पहुंचाए, और आज मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूं। वैसे में तो सर, हमें इस मंच पे औकात ही नहीं है कि मैं यहां आ सकूं, और गरीब को तो आप लोग जानते हैं कि नीच दिखाने की प्रयास करते हैं गांव में। जो अभी आपने बात कही ना के औकात नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए आपको, बिकॉज हर इंसान जो ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। अगर सर आप लोगों के जैसा अगर सोच सभी को होता तो इस भारतवर्ष में ना कोई भूखे रह पाता, और ना ही कोई गरीब रह पाता, और ना ही कोई ऊंच नीच का दर्जा किसी को देता। कि औकात की तो बात ही नहीं हो सकती है, उसकी औकात बहुत ऊंची है। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है, और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे जी, और घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुरू। ओके सर, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाय हो, ओ हो, ओ ये गजल है न गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है, मेरे सीने में सिर्फ हो, मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरी आँखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा हो, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा हो, कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से
नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं, मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं। कहीं थी ये बदनसीबी हो, कहीं थी मेरी गरीबी हो, कहीं थी मेरी गरीबी, किस किस का नाम लूं मैं, ओ किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। बेमुरब्बत बेवफा दुनिया है ये, है यही दुनिया तो क्या दुनिया है ये, बेमुरब्बत बेवफा दुनिया है ये, है यही दुनिया तो क्या दुनिया है ये, न कमी थी दोस्तों की, कमी थी दुश्मनों की, ओ न कमी थी दुश्मनों की, कहीं दुश्मनी ने लूटा, कहीं दुश्मनी ने लूटा, कहीं दोस्ती ने मारा, गिला मौत से नहीं, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। उजालों से वहशत मुझे हो गई है, अंधेरों की आदत मुझे हो गई है, उजालों से वहशत मुझे हो गई है, अंधेरों की आदत मुझे हो गई है, रहा जब तलक अंधेरा हो, कटा खूब वक्त मेरा हो, कटा खूब वक्त मेरा, मुझे चांदनी ने लूटा, ओ मुझे चांदनी ने लूटा, मुझे रोशनी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी
बसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। Absolutely a finale performance. Thank you, sir. Mind blowing, man. I love you, yaar. I love you, man. What a voice, yaar. Kya awaaz hai, yaar.